आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। तो अपवर्क पे काफी सारे स्कैम्स भी अवेलेबल हैं जिनसे हमें बचना है और उन सारे लोगों को उनके साथ हमने काम नहीं करना, अदरवाइज आप अपनी मेहनत भी खो देंगे और आपको उनकी जो है पेमेंट्स भी नहीं मिलेंगी। तो क्या होता है कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स जिनकी जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होता उनके साथ आपने काम नहीं करना जब तक वो अपने पेमेंट मेथड वेरीफाइड ना कर लें। आपने उनको कोई ऐसा काम डिलीवर नहीं करना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं करना। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए बिना कभी भी किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। क्लाइंट आपसे कहता है कि आप मुझे काम कर दो, जब आप काम कर दोगे तो तब मैं कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपका प्रोफाइल बैन भी हो सकता है, अपवर्क ये अलाउ नहीं करता। तो आपने कभी भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले क्लाइंट को काम नहीं करके देना। वो आपको डराएगा इन सेंस कि मैं किसी और को हायर कर लूँगा, तो आप उसे कह सकते हो कि ठीक है आप किसी और को हायर कर लो, नो वरी, लेकिन मेरे साथ काम करना तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं आपको काम स्टार्ट करके दूंगा। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हो क्लाइंट को फाइनल डिलीवरी से पहले, उसके ऊपर आपने वाटरमार्क लगा के देना। आप अगर ग्राफिक का काम कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट का, उसके लॉगिन्स अपने पास रखने हैं, मतलब क्लाइंट को सारी एक्सेस नहीं दे देने। जो भी क्लाइंट आपको सस्पिशियस लगे उनके साथ ऐसा करना है, सारे क्लाइंट्स के साथ नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, कहते हैं कि हम आपको जॉब के लिए हायर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म जॉब है, और हम आपको एक साल के लिए हायर कर रहे हैं, ये आप हमें अपने जो आईडी कार्ड है उसकी पिक्चर भेजें फ्रंट और बैक। आपने कभी भी कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट क्लाइंट के साथ कभी शेयर नहीं करना, ना ही कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह का पर्सनल डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड, इवन कुछ भी आपने कभी भी शेयर नहीं करना, ये बात मेरी जहन में रखिएगा। तीसरी चीज़, अभी इसी तरह से होता है कि क्लाइंट आपको कहते हैं कि आप हमें क्रिप्टो के अंदर पे कर दें और हम आपको क्या कहते हैं, वहाँ पे हमारा एक दोस्त है पाकिस्तान में, वो आपको लोकल आपके बैंक के अंदर पे कर देगा, या हम आपको अपवर्क पे कर देते हैं, आप हमें क्रिप्टो करेंसी या बाइनेंस के ऊपर पे कर दें। वो भी टोटली सरासर स्कैम होते हैं। और चाहे क्लाइंट आपको अपवर्क पे पैसे भेज भी दे, आपके अकाउंट में आ भी जाए, फाइव स्टार के साथ आ जाए, तब भी आपने पैसे नहीं भेजने, क्योंकि क्लाइंट अपवर्क से डिस्प्यूट लगा के वो सारी पेमेंट वापस ले सकता है, और जो आपने बाइनेंस के जरिए भेजी होगी वो आपकी पेमेंट कभी भी वापस नहीं आएगी, राइट। तो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना है। फिर क्लाइंट अक्सर ये कहते हैं कि ये जॉब है, इसके लिए हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए हायर कर रहे हैं, तो आप इसको मतलब ज्वाइन करने से पहले आपको इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करानी होगी। लेट्स सपोज कहेंगे कि $100 आपको या $50 आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करानी है, तो कोई भी क्लाइंट कभी भी इस तरह से नहीं मांगता सिवाय स्कैमर्स के। तो आपने कभी भी इस तरह की किसी भी रजिस्ट्रेशन फ़ी या ऐसा कुछ भी कभी भी सबमिट नहीं करना। तो ये कुछ कॉमन स्कैम्स हैं। इसके अलावा आप मतलब क्रिप्टो के रेलिवेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप अपवर्क पे नहीं कर सकते, टोटली सरासर अपवर्क की पॉलिसीज के खिलाफ, और आपका अकाउंट इमीडिएटली बैन हो जाएगा। तो आपने ये सारी चीज़ों से अवॉइड करना है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको सस्पिशियस लगे तो उसी मैसेज के साथ एक छोटा सा आइकन होगा रिपोर्ट का, तो आपने सिंपल रिपोर्ट कर देना है उस क्लाइंट को, अगर वो आपसे किसी भी इस तरह की डिमांड कर रहा हो या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। इसके साथ साथ आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो क्लाइंट जो है वो लेजिट है या स्कैम है, उसकी आप प्रोफाइल हिस्ट्री के अंदर जाके देख सकते हैं। अगर उसका जो प्रोफाइल है उसी मंथ में क्रिएट हुआ हो तो डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्कैमर हो, और उसने किसी और के साथ काम नहीं किया तो तभी भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक तो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कर रहा है, सस्पिशियस तरह से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और अजीब सी डिमांड्स कर रहे हैं, और उसके अलावा इसकी प्रोफाइल भी न्यू है और ये इसने पहले किसी के साथ काम भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, आपको डेफिनेटली इनको समझ जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना है आपने। तो इसके अलावा भी और काफ़ी सारे स्कैम मार्केट में नए नए आते रहते हैं, तो इस तरह की कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखें आपने उसको अवॉइड करना है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।